झरिया पुलिस ने बुधवार को झरिया, बनियाहिर और भालगढ़ा में जुआ अड्डा पर छापा मारा। छापेमारी में 7 जुआड़ियों को पकड़ा गया। हालांकि कई जुआड़ी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। छापेमारी के दौरान जुआड़ियों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस ने कई ताश के पत्ते समेत नकद भी बरामद किए। झरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बनियाहिर और भालगढ़ा में जुए का अड्डा चल रहा है। इन अड्डों पर भारी संख्या में जुआड़ियों का जुटान होता है। एक टीम बनाकर पहले भालगढ़ा के इंदिरा नगर के समीप छापा मारा। वहां से मुन्ना प्रसाद वर्मा, अलाउद्दीन साई, बबलू कुरैशी को दबोचा। उनके पास से 50 ताश के पत्ते और कुछ नकद बरामद किए। बनियाहिर के समीप छापेमारी में राजकुमार सिंह, मंटू यादव, बबलू अंसारी, सपन बावरी को पकड़ा और उनके पास से 60 ताश के पत्ते और नकद बरामद किए। थाना प्रभारी ने बताया कि भालगढ़ा में जुआ अड्डा का संचालक फिरोज और बनियाहिर के जुआ अड्डा संचालक इंद्रजीत नामक व्यक्ति चलाता है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पकड़े गए जुआड़ियों को कांड संख्या 145, धारा 290, 420, 34 IPC और 11 बंगाल गैम्बलिटी एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। मुझे कुछ दिनों से गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि बनियाहिर एवं भालगढ़ा में जुआ लोग खेल रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग जमा हो रहा है, जिसे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सूचना मिली थी। उसी के आधार पर हमने अपनी टीम बनाकर छापामारी की। जिस छापामारी में फर्स्ट छापामारी में भालगढ़ा किया, भालगढ़ा से करीब 3 लोग पकड़ाए। वहाँ पर कुछ पैसे थे और गार्ड्स थे जिनको जब्त करके लाया गया। उसके बाद बनियाहिर मैदान गया। बनियाहिर मैदान में भी वहाँ पर मैदान में करीब 10-15 लोग जुड़े हुए थे। खदेड़ कर उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें से 4 लोग पकड़ाए। उन चारों लोग को पकड़कर लाया गया। वहाँ से भी कुछ पैसे और कार्ड्स बरामद हुए और सभी को लेकर गिरफ्तार करके थाना लाया गया, जिसमें जुआ अधिनियम के तहत इन पर केस किया जा रहा है। 7 लोग केस में थे और इनका संचालन फिरोज के द्वारा भालगढ़ा में किया जा रहा था और इंद्रजीत के द्वारा बनियाहिर में संचालन किया जा रहा था। ये दोनों भी इस कांड में एक्यूज है। वो लोग भागने में सफल रहे, वो लोग नहीं पकड़े। हाँ, जब एक्यूज हैं तो जेल जाएंगे ही।